नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुटेक में। तो गाइज यार, इस बार के ऑनलाइन एग्जाम में पासिंग मार्क्स का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, यानी कि छात्रों ने कई सारे क्वेश्चंस पूछे, इवन कई दिनों से पूछ रहे थे। इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाला था, थोड़ा सा डिले हुआ, मैं एक हफ्ते से कहीं बिजी था तो इस टॉपिक पे मैं बात नहीं कर पाया हूँ। जी हाँ गाइस, पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है, कितने MCQ सही करने पर आपको इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम में पास कर दिया जाएगा। देखिए मेरे भाई, बता दूं कि 35,000 में से नियर अबाउट 3,500 छात्रों का बैक लगा है। आखिर जब चीटिंग हो रही है, फुल चीटिंग हो रही है, तो फिर बैक क्यों लगा, ये एक सवाल है और ये सवाल लाजमी है। आप खुद अपने मन में सोचिए कि आप चीटिंग कर रहे हो, कल को आपका बैक लग जाए देन अच्छा नहीं लगेगा ना यार, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी। तो उसी प्रकार का कुछ एक्सपीरियंस जब इंस्टाग्राम पे छात्रों ने बताया और उनके द्वारा जो डाउट है पासिंग मार्क्स को लेकर, साथ ही एक सवाल जो है वो उस पर उनका काफ़ी रिक्वेस्ट आया कि सर आप UFM कैसे हटाएं, यानी कि कल को अगर UFM लग जाता है तो UFM को कैसे हटाना है, इन चीज़ों पर हम वीडियो के अंदर कम्प्लीट वे में, डिटेल वे में बात करने वाले हैं। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो फर्दर देखना तो वीडियो को एंड तक देखना, अदरवाइज़ आप यहीं से स्किप करके जा सकते हो, आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। यार आप लोग वीडियोस को पूरा नहीं देखते, जो भी इंफॉर्मेशन रहा करे उसको सीख लिया करो, बाद में फिर दौड़ते हो इधर से उधर। तो चलेगा इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि खुद भी देख लो और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि हर कोई एग्ज़ाम दे रहा है, हर किसी को पासिंग मार्क्स का पता करना है, साथ ही चीटिंग करने पर बैक की UFM कैसे हटाएं, इन चीज़ों को जानना हर एक छात्र का जन्मसिद्ध अधिकार है और उन्हें मिलना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए अभी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, कमेंट के थ्रू हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए, अभी सिंह का कहना है, भाई आपका हर एक वीडियो देखता हूँ क्योंकि आप बहुत ही AKTU की सही इन्फॉर्मेशन देते हो। थैंक यू अभी भाई। देखो आपको मैं पहले बता दूं कि अगर आप AKTU के छात्र हैं और आप UP स्कॉलरशिप में भी इंटरेस्टेड हैं तो मेरे भाई प्रकाश एजुटेक आपको सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ और सबसे सही इन्फॉर्मेशन सबसे राइट टाइम पे प्रोवाइड करेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अब चलिए बात करते हैं कि रिज़ल्ट ये जो है बैक क्यों लग रहा है छात्रों का। तो मेरे भाई बैक लगने के कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि नेटवर्क इशू। जी हाँ, नेटवर्क इशू के कारण क्या हो रहा है गाइस कि छात्र जो हैं वो अपना पेपर सही से नहीं दे पा रहे हैं। 10 क्वेश्चन किए कि कोई कोई तो खुद गलती कर देता है, ऑटो सबमिट कर दिया, अब गया सबमिट तो फिर फेल होना उसका तय है। कई बार क्या होता है नेटवर्क इशू के कारण कई बार उसका एग्ज़ाम पास कर दिया जाता है उसमें 10 से 15 मिनट, अब तो रूल आ गया, हालांकि 10 से 12 मिनट ही एग्ज़ाम पास किया जाता है, लेकिन पहले क्या होता था 15-20 मिनट के लिए, आधे आधे घंटे के लिए एग्ज़ाम पास कर दिया जाता था। लेट ऑनलाइन एग्ज़ाम का स्टार्ट होना, काफ़ी कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, क्वेश्चन पेपर का टफ होना, स्टूडेंट खुद फेल होने के कैटेगरी का है, तो ये चीज़ें मायने रखती हैं कि भाई जो छात्र है वो फेल नहीं होगा तो क्या होगा, बैक तो लगेगा, ये रीज़न हो गया। अब बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है। तो गाइस क्वेश्चन जो हैं वो टोटल हैं 50। अगर ऑन एन एवरेज में बात करूँ तो 17 MCQ आपको सही करने हैं अगर आपको थियरी में पास होना है, लेकिन ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। क्यों ऐसा दिक्कत नहीं है, देखिएगा 17 × 34 होता है और जब 34 नंबर आप यहाँ से पा जाते हैं तो फिर बचा कितना आपको, हालांकि 25 नंबर आपको यहाँ से पाना, 13 क्वेश्चन आपको सही करना है, लेकिन मैं सबको ये कहता हूँ कि भाई 17 क्वेश्चन मान के चलो, 15 क्वेश्चन पे मान के चलो, तो यहाँ पे आप ऑन एन एवरेज समझ सकते हैं कि अगर आप 15 से 17 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप पास हैं, यही पासिंग मार्क्स है। 100 मार्क्स के अगर क्वेश्चन पेपर हैं तो उसको जो भी AKTU हैं अपना डिसाइड करेंगे, वो लोग अपने हिसाब से सब कुछ सेट किए हैं, तो आपको MCQ की अगर मैं बात करूँ तो 15 MCQ हर हाल में सही करने होंगे, समझ गए ना। अब चलिए बात करते हैं कि भाई UFM लग गया है तो कैसे हटेगा। जिन भी छात्रों का रिज़ल्ट आता है एक पर्टिकुलर डेट आ जाता है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, कि भाई अगर आपका UFM लगा है तो प्लीज़ आप एक ईमेल के थ्रू जस्टिफाई करिए कि मेरा UFM क्यों लगा है, क्या रीज़न है, अगर सॉलिड रीज़न। जनरली क्या होता है कि अगर आप सही रीज़न दे देते हैं, काम चलाऊँ रीज़न दे देते हैं जिससे कि मान लिया जाए कि हाँ भाई गलती एक प्रॉक्टर के द्वारा हुई है, तो इन दैट केस आपका UFM नहीं हट जाएगा, समझ रहे, यही एक तरीका है UFM हटाने का, आपको सफाई देना होगा। अदरवाइज़ कॉलेज में बात करो, पहचान पकड़ पहुँच जो भी है, अगर शुद्ध देसी भाषा में कहूँ। अब बात करते हैं हदी का, भाई AI कितनी बार फ़ोटो को लेता है, बाद में उस फोटो का एनालिसिस भी किया जाता है क्या। जी फोटो ऐसा कोई नहीं, फ़ोटो लिया जाता है उसका एनालिसिस किया जाता है, मेरे चश्मे में मोबाइल की स्क्रीन रिफ्लेक्ट कर रही थी, मेरा पेपर अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं अगले कमेंट्स के, फटाफट से कमेंट्स को कवर करना होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है।
प्रियंका कुमारी का कहना है कि 25 अगस्त तो पेपर होगा EMBA सेकंड ईयर, जी बिल्कुल एग्ज़ाम होगा 25 अगस्त को। मंतसा खान का कहना है कि सर नाउ व्हाट टू डू, अब ये किस वीडियो पे कमेंट की हैं अब ये तो भगवान ही जाने। जोनी कुमार का कहना है कि सर 13 वार्निंग आए थे, बीच में पेपर रुक भी गया था और बाद में सबमिट हो गया, 28 क्वेश्चन ही हो पाए। तो मेरे भाई 28 क्वेश्चन में अगर आप पास हो गए तो ठीक है, क्योंकि आप UFM के कहीं ना कहीं दावेदार हैं। जो लोग प्रकाश से यूटेक यानी हमारे वीडियोस में कमेंट करते हैं तो उनसे मैं बस इतना कहना चाहूँगा, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके क्वेश्चन करते हैं तो प्लीज़ जो भी वीडियो है उसको रेगुलर देखा कीजिए। आपका कमेंट कभी भी पिक किया जा सकता है, उसमें एक्स्ट्रा जानकारी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बताया जा सकता है। तो जॉनी कुमार का यही कुछ सवाल है, तो भाई UFM के आप दायरे में हैं, रिस्क 50-50 है। अब बात करते हैं रजत वर्मा का, और गूगल पे आंसर नहीं मिल रहे, बेकार हो गया एग्ज़ाम सर, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए क्या किया जाए कि आंसर जल्दी जल्दी मिले। मेरे भाई रजत वर्मा जी, आप BPharm 4th सेम के हैं, देखो यार फिर कह रहा हूँ कि BPharma 4th सेमेस्टर वाले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रख लो, अभी आगे मैं आपको हेल्प देने करने वाला हूँ, तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं, पढ़ाई करो, कुछ आपको मैं हेल्प करूँगा जल्दी। और इनसे मैंने वादा भी किया कि भाई नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके टॉपिक को कवर करूँगा, तो कवर भी कर रहा हूँ। रजत वर्मा का कहना है सर मुझे 2 वार्निंग मिली, टाइम ओवर होने के बाद पेपर खुद सबमिट हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? जी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है रजत भाई, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और गफरान खान का कहना है कि कल इवनिंग बैच में सर सैन फाउंड्री में मुझे 37 क्वेश्चन मिले थे। अच्छी बात है भाई, सैन फाउंड्री वाकई में, रिमिक्स एजुकेशन भी कभी कभार फेल हो जाता है लेकिन सैन फाउंड्री कभी फेल ही नहीं हो रहा है। 30, 35, 40, 45, 50 क्वेश्चन तो मिल जाते हैं पक्का, मान के चलो यहाँ तक समझ गए ना। अब बात करते हैं मोटिवेटेड वर्ड का, जी हाँ पता नहीं कहाँ से बनाया था, पेपर बहुत हार्ड था। तो गाइस कल की अगर मैं बात करूँ, कल इवनिंग शिफ्ट में फार्माकोलॉजी का पेपर था BPharma 4th सेम में, काफ़ी हार्ड पेपर आया था, जीपैट प्लस लेवल का था, इवन जो अच्छे अच्छे टीचर्स थे वो भी 20-25 के ऊपर नहीं सॉल्व आउट कर पा रहे थे। तो ऐसे में काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रतीक तोमर का कहना है कि हेलो ब्रदर, मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम इजी आता है, इवनिंग शिफ्ट का हार्ड आता है, ऐसा क्यों? तो मेरे भाई ये रियलिटी बन चुका है, मैं पिछले मतलब आपको मालूम है हर एक एग्ज़ाम के दिन रिव्यू मार देता हूँ शाम को, छात्र जो हैं 10-20 इंस्टाग्राम पे बताते हैं, वही नियर अबाउट 10-20 यूट्यूब पे कमेंट करते हैं। तो ऐसा मतलब सच में सुनने में आता है कि भाई इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हार्ड क्यों आता है, ये सवाल है। और सुबह वाला इजी रहता है, गूगल पे आसानी से मिल जाता है, देखते हैं जो भी होता है, लेकिन अब क्या किया भी क्या जा सकता है। अब यार ये तो एक पहली टाइप का है कि इवनिंग का टफ और उसके बाद मॉर्निंग का इजी। अब बात करते हैं प्रशांत त्रिवेदी का, सर अगर कोई वार्निंग नहीं आई तो मतलब हम सेफ हैं? जी बिल्कुल सेफ हैं, किसी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं। सौम्या कथियार का कहना है कि भाई ऐसा सब होगा क्या? ऐसा सब में नहीं होगा सौम्या जी, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, एक पेपर में हुआ तो ज़रूरी नहीं कि हर एक पेपर में हो। आपका कोर्स क्या है? देखो यार फिर कह रहा हूँ BPharma वाले मुझे मैसेज करो। शिल्पा कश्यप का कहना है सर मेरे पेपर कल नहीं हुआ था, पेपर कब होगा? 21 अगस्त को बता दो सर। तो देखो अगर आपका पेपर 21 अगस्त को नहीं हुआ था तो आप वेट करो, 10 से 15 सितंबर के बीच में कभी भी कराया जा सकता है, और जब भी कराया जाएगा आपको वीडियो के माध्यम से इधर इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे ज़रूर नोटिफाई किया जाएगा। तो आप मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा जितने लोग वीडियो देख रहे हो टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़, और उसके साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रख लो, बहुत काम आने वाला हूँ, बहुत आगे का लंबा जर्नी है हम लोग का। तो चलिए गाइस फाइनली इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपके लिए 1% काम की हो तो प्लीज़ यह वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो। आप लोग यार ऐसा नहीं करते अच्छा नहीं लगता, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, लव यू ऑल।